हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट 2019। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप ई और ग्रुप एफ की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अब मेरिट लिस्ट में जितने भी लोग शामिल होने वाले हैं उन आवेदकों को अब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हॉल टिकट आएगा। आपका मेडिकल कब है, किस तारीख को है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे आपको देखना होगा आपको जो रिजल्ट। तो देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो आप इस पर विजिट कीजिए और देखिए, आपके सामने ही दिया हुआ है सेलेक्ट अ ग्रुप टू गेट फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कांस्टेबल और आरपीएफ। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन से ग्रुप ने आपने अप्लाई किया था। तो आप इस प्रकार जो है ग्रुप ई, ग्रुप एफ, जिस भी ग्रुप को आप सेलेक्ट करते हैं उस बस आपको क्लिक करना है उस पर, और आपका जो है रिजल्ट का जो पीडीएफ फाइल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए, हमने ग्रुप ई का जो है क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ग्रुप ई का जो है कांस्टेबल की वो इस प्रकार हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, देखो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ऑफिशियली जो है मेरिट लिस्ट हमने खोल रखी है। देखिए, यहाँ पे अधिसूचना संख्या कांस्टेबल 01/2018 के अंतर्गत कांस्टेबल के पद पे नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इम्पेलेड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ कांस्टेबल आरपीएफ अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर constable/rpf01/2018। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप अपनी से अपनी जो है मेडिकल की तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, आपको मेडिकल के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट हैं ऑलरेडी तभी नहीं आपने इसमें अप्लाई किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिट लिस्ट को देखने के लिए। देखिए, आपको सीरियल वाइज यहाँ पे दिया है, फिर रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सेलेक्टेड अगेंस्ट और जोन। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व में अगेंस्ट ESM, तो ये नाम है इनका। पहला नंबर है विकास कुमार भुजेल, गोपाल भुजेल इनके पिताजी का नाम है, और डेट ऑफ बर्थ है इनका 1/8/1977। जी हाँ दोस्तों, सेकंड है पुरुषोत्तम कुमार मुरली मनोहर सिंह, 5/1/1975 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं संजय कुमार 30/11/1978, विनय कुमार झा, उमा कांत झा 21/12/1976। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप अपना मेरिट लिस्ट जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी लिस्ट में कहां पर जो है आपका नाम है। कैटेगरी वाइज ये लिस्ट है, अनरिजर्व के बाद आपको OBC फिर SC, इस प्रकार आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हम चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और स्थान उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचित किया जाएगा। यानी दोस्तों, आपको कोई कॉल लेटर सूचित नहीं किया जाएगा, आपको जो है आपके पर्सनली मेल में और फ़ोन नंबर के जो मैसेज है उसमें आपको भेज दिया जाएगा। तो द इम्पेल्ड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। द डेटा एंड प्लेस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल IDs। अब सेकेंड बात करते हैं, चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाना नियुक्ति की गारंटी नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको जो है मेडिकल टेस्ट पास करना होगा, इसलिए अगर आपको इसके लिए बुलाया जा रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जॉब जो है पक्की हो चुकी है, क्योंकि अभी भी आपको एक स्टेप से गुजरना है मेडिकल टेस्ट से। इसलिए इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, हमें पढ़ के बता देता हूँ आपको। सेंडिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू द इम्पेलेंट कैंडिडेट्स। यानी कि आपको जो है बुलाया जाएगा तो आप जो है नियुक्ति अपनी गारंटी मत समझिएगा। थर्ड की बात करते, अटेस्टेंस फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सभी उम्मीदवार भरकर चिकित्सा परीक्षा के समय जमा करें। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये फॉर्म मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अटेस्टेड फॉर्म, फिर आपको इसको भर के जो है जब आपका चिकित्सा का जो डेट आएगा, जो वेन्यू, वहाँ पे आपको लेकर जाना है। सहायता के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवार निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है 8471985501 एंड 0361257035, आप इस नंबर पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छी लग रही होगी तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट नौकरी चैनल आपको सरकारी नौकरी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है, साथ ही दोस्तों आपको बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद भी करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।